नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों, UP SSSC लोअर PCS 2019 के एडमिट कार्ड का अब तक बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, तो आज इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को मैसेज के द्वारा सूचना पहले से एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दे दी गई थी कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। आज इसके प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए। कैसे प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ आपको, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष जो परीक्षा हाल में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी उसको भी बता देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट governmentjobcenter.com पर आ जाना है। गूगल पर सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, ठीक है। सबसे ऊपर ही आपको एडमिट कार्ड का सेक्शन है, यहाँ पे दिया गया है UP SSSC लोअर PCS एडमिट कार्ड 2019। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएगा, मिल जाएगा आपको डाउनलोड UP SSSC लोअर PCS एडमिट कार्ड 2019 क्लिक हियर। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल। इसके बाद ये कैप्चा कोड एंटर करना है यहाँ पर और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। बाई चांस आप रोल नंबर या कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल जाते हैं तो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करके अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बता देता हूँ क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी ध्यान से उनका पालन करना है। वो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, मतलब है 1/4 ही, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1/4 करेंगे तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी क्वेश्चन करने, बिल्कुल सावधानी से आपको अटेम्प्ट करने, ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। कोशिश करें जितने सॉलिड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।